हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आज मैं ना नाश्ते में चूरा मटर बनाने वाली हूँ, जिसे हम लोग गांव में घुघनी बोलते हैं। बिहार में ना ये डिश बहुत ही फेमस है नाश्ते में। तो एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और चूरा मटर बनाने के लिए मैं प्याज कट कर रही हूँ, मिर्चा कट कर रही हूँ और यही सब मैं इसमें डालूंगी। बहुत ही टेस्टी लगता है ये नाश्ते में। तो गाइस, मेरे सुबह के जो काम होते हैं ना, वो सारे हो चुके हैं। साफ सफाई, नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब, और नाश्ता बनाने का काम ये सब रह गया है। तो अब मैं वही कर रही हूँ। तो तेल में मैंने जीरा डाल दिया है, प्याज मिर्चा डाल दिया है, इसको थोड़ा सा लाल कर लेंगे और फिर इसमें मटर डाल देंगे और थोड़ा सा मैंने हल्दी भी डाल दिया है। तो ये देखिए, मेरी चाय जो है बन गई है। और अब जब मटर थोड़ी सी पक जाएगी तो हम इसमें थोड़ा नमक भी डाल देंगे, फिर इसमें चूरा ऐड कर देंगे। तो ये पतले वाले चूरे हैं, ये जल्दी मतलब कुरकुरे हो जाते हैं। तो बस मेरा नाश्ता जो है अब तैयार है, चूरा मटर और चाय। तो आप लोग भी आ जाइए नाश्ता करने। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद ना, अब मैं आ गई हूँ बेडरूम में अपनी बेडशीट वगैरह ठीक करने, थोड़ी सी डस्टिंग करने। सुबह मैंने ये सब काम नहीं किया था। हाँ, साफ़ सफाई मैंने कर दी थी, झाड़ू पोछा सब मैंने सुबह ही कर दिया है, ये काम रह गया था। तो गाइज, अब मैं यही कर रही हूँ। तो कोलीन से मैं अच्छे से बेड को साफ़ कर दे रही हूँ। मैं हफ्ते में एक दिन मैं कोलीन से अच्छे से साफ कर देती हूँ बेड को। और ये सारे टेडी बियर जो हैं विहान के हैं, कुछ पूर्वी के हैं। तो बस इसको मैं बेड पर रख दे रही हूँ। ये लोग यहाँ पर लेटते हैं या जब भी सोने के टाइम पर आते हैं ना, तो खेलते हैं इसी से। और ये बेडशीट वगैरह फोल्ड करके ठीक से लगा दे रही हूँ, क्योंकि बेड जो है ऑर्गेनाइज रहता है ना, तो फिर बेडरूम जो है आधा ऐसे ही सही लगने लगता है। जब तक कि बेड फैला रहता है, सेट नहीं रहता है, तो फिर बेडरूम जो है गंदा ही लगता है। तो बेडरूम वगैरह ठीक करने के बाद ना, यहाँ पर मैं एप्पल कट कर रही हूँ पूर्वी के लिए। तो पूर्वी को ना अब मैं सॉलिड खिलाने लगी हूँ, क्योंकि वो 6 मंथ की हो चुकी है। 6 मंथ की तो वो 2 महीने पहले ही हो चुकी थी, अब 8 मंथ की हो चुकी है। तो मैंने 6 मंथ के बाद से ही उसको सॉलिड खिलाना शुरू कर दिया था। तो इस एप्पल को ना मैं मिक्सी में पीस करके उसे खिलाऊँगी, क्योंकि अभी उसके दाँत तो नहीं आए हैं, तो वो ऐसे मतलब नहीं खा पाएगी। तो मैं इसको पीस कर ही खिलाती हूँ। और सेरेलैक हो गया, दलिया हो गया, पीस के मैं उसके लिए बना देती हूँ। तो एक दिन मैं दलिया की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं उसको कैसे खिलाती हूँ। तो ये देखिए, एप्पल जो है पूर्वी का तैयार हो गया है और मैं उसको एप्पल खिला रही हूँ यहाँ पे। तो बस एप्पल खा के ना पूर्वी जो है सो गई थी। तो जैसे ही वो सोई ना, तो मैंने अपनी मशीन निकाल ली, क्योंकि आज मुझे कुछ काम करना है मशीन पे। कुछ कपड़े थे जिसकी स्टिचिंग जो है खुल गई थी, तो वही मैं सिल रही हूँ। अगर घर में ना छोटे बच्चे होते हैं
तो हमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ता है। जब वो सो रहे होते हैं तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा लूँ, क्योंकि अगर वो जगी रहती ना तो वो मशीन के ही पास आकर के बैठ जाती, फिर छूती, फिर मुझे करने नहीं देती। तो जब वो सोती है तो मैं कभी नहीं सोती हूँ उसके साथ, मैं अपना काम में ही लगी रहती हूँ, नहीं तो फिर मेरे काम जो है नहीं हो पाएंगे, वैसे ही पड़े रहेंगे। वैसे तो मुझे ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, मेरा मन बहुत करता है कि मैं अपने हाथ से सूट सिल करके पहनूं, लेकिन मुझे आता नहीं है, कभी मौका ही नहीं मिला कि मैं सिलाई सीखूं जा करके। वैसे मुझे शौक़ बहुत है सिलने का, तो बस फटे पुराने या जो भी स्टिचिंग वगैरह खुल जाती है मैं उतना ही सिल पाती हूँ। हाँ, कभी टाइम मिला या फिर बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो मैं ज़रूर सीखूँगी। और जब मेरे पास सिलाई मशीन नहीं थी ना तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए मुझे टेलर के पास जाना पड़ता था। और छोटी भी सिलाई चलाने का ना वो लोग 50 रुपये ले लेते थे, अगर कोई चीज़ या कपड़ा फट गया है या उस पर सिलाई चलानी है तो 50 रुपये 60 रुपये ऐसे ले लेते थे। तभी मैंने फिर ये मशीन ख़रीद ली कि छोटे छोटे काम के लिए ना मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा, या फिर इससे ना पैसे भी ज़्यादा खर्च हो जाते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर पूर्वी जो है उठ गई है, तो अभी अभी वो उठी है और उसके बाद ना जब वो सो रही थी तभी मैंने तहरी जो है गैस पर चढ़ा दिया था, उसके बाद मैंने मशीन निकाली थी। मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं वो उठ ना जाए तो मैं जल्दी से अपने काम निपटा लूँ। तो बस मैं ये हस्बैंड जी के लिए निकाल रही हूँ तहरी, और मैंने खीरा कट कर लिया है, सलाद में और कुछ नहीं था, और इसके ऊपर थोड़ा सा घी डाल दिया है, घी से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद फिर मैं भी लंच कर लूँगी। और ये थोड़ा सा ना अचार है पैकेट वाला, कल मैं मार्केट गई थी ना तो मैं ये अचार लेकर के आई थी, मैंने तो चलो देखें टेस्ट करके कैसा है ये। तो चलिए फ्रेंड्स, यही था आज का व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।